हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के एक नए टॉपिक को लेकर, और ये टॉपिक रहेगा आपका हरियाणा के पारंपरिक आभूषण। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जनरली हमें पता होता है आभूषणों के बारे में कि मेनली लड़कियों को ज्यादा पता होता है क्योंकि स्त्रियों के द्वारा ऑर्नामेंट्स को ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी आभूषण है जो कि पुरुषों के द्वारा यूज किए जाते हैं या पहने जाते हैं, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका सीईटी आने वाला ग्रुप डी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है हरियाणा के पारंपरिक आभूषण। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हाथों में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। गजरा जो होता है, ये बालों में मत लगा देना, गजरा आ जाए या गजरी आ जाए, ये हाथों पे पहना जाता है, ठीक है, हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। टाड़ बोलते हैं, टाड़ बाजू पर पहना जाता है, यहाँ बाजू लगा लो, यहाँ से पहना जाता होगा। आरसी अंगूठे की होती है, आरसी जो है वो अंगूठे में पहने जाती है। छन्न जो है वो भी हाथों में पहना जाता है। टाड़िया बाजू पर पहने जाने वाली सोने की जो टाड़ होती है उसे कहते हैं टाड़िया। हथफूल ये सभी को पता है, हाथों में डाला जाता है। छन्न हो गया, कंगन हो गया, छन्न और ये छन्न, ठीक है, अलग अलग है लेकिन दोनों हाथों में पहने जाते हैं। कंगन का सबको पता है। पछेली जो है वो भी हाथों में पहनी जाती है। पहुंची लगा लो, जैसे अब रक्षाबंधन आएगा तो राखी कह देते हैं, पहले पहुंची भी बोलते थे और अभी भी बोलते हैं, तो पहुंची ये वो नहीं कि राखी वाली, जो हाथों में पहनी जाती है। बाजूबंद बाजू में पहना जाता है। कडूला जो होता है वो भी हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है। गले के आभूषण कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, गजरा, टाड़, आरसी, छन, टाड़िया, हथफूल। देखो टाड़ और टाड़िया दोनों ही बाजू पर पहने जाते हैं, और सारी जो भी ज्वेलरी है या जो भी आभूषण है वो सोने या चांदी के ही है। हथफूल, छन, कंगन तीनों रिलेटेड हैं। पछेली, पहुंची, कंगनी, बाजूबंद, कडूला, मेनली सबको पता है। एक ये टाड़ नहीं पता होगा, एक गजरा नहीं पता होगा, और पछेली नहीं पता होगा, कडूला, तो इन पे ध्यान दीजिएगा। गले के आभूषण हंसला होता है, हंसला कहते हैं जो कि गले में डाला जाता है, या तो चांदी का हो या फिर आपका सोने का हो। हंसली भी होती है, सेम चीज है, हंसला है और हंसली है, तो दोनों ही चांदी या सोने के होते हैं गले में डाले जाने वाले। मोहन माला कह लो या मटर माला भी बोलते हैं इसको, दादी वो घर पे तो पूछना, मटर माला उनको पता होगी, सोने की होती है। गलसरी गले में डाले जाने वाली, कंठी होती है, जंजीरा होता है, यहाँ तक के होते हैं ये, तो गलसरी तो गले के बिल्कुल ऐसे बंद भी हो सकती है और यहाँ तक भी हो सकती है। गुल्लूबंद सोने का बना होता है। बटन, हार और माला, बटन भी गले में पहना जाता है, हार और माला ये तीनों गले के हैं। यहाँ पे चलते हैं मुंह और सिर के आभूषण। मुंह मतलब आपके नाक में, कान में, कहाँ पे डाला जाता है, माथे पे, और सिर वाले अलग हैं। तो फूल जो होता है ये चांदी या सोने का होता है, सिर के ऊपर पहना जाता है। सिंगार पट्टी ये भी चांदी या सोने का, सिर के ऊपर डाला जाता है। बेसर होता है माथे पर पहना जाने वाला। बोरला, अगर आपने सिरसा या महेंद्रगढ़ साइड जो राजस्थान बॉर्डर हमारा शेयर करता है हरियाणा, तो वो ना यहाँ पे बोरला सा वैसे जैसे शादी वगैरह में डालते हैं, तो बोरला ही बोला जाता है इसको, जो सिर पर डाला जाता है, और टिक्का माथे पर, वो टिक्का हो जाता है जो यहाँ तक आता है, बोरला यहाँ तक ही रहता है। कलप माथे पर, बुजनी बालों में डाली जाती है, बुजनी एक कान की मत समझ लेना, ये बालों में डाली जाने वाली है। ढेटे कानों में डाले जाते हैं। करण फूल, करण का मतलब कान होता है, तो कानों में डाले जाते हैं। बालियां हो गई कानों में। डांडे ये भी कान में होते हैं। छाज ये मैंने ना प्रीवियस ईयर में भी देखा, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, डांडे को भी और छाज को भी। छाज माथे पर पहना जाता है। नाक ये नाक की होती है। पुरली, पुरली ना चौड़ी चौड़ी सी होती है, ठीक है, एक तो नाक की लॉन्ग होती है, कोका होता है, ये चौड़ी होती है, मैंने अपनी दादी का भी देखा है, ये पहनी हुई, तो ये नाक की होती है, कोका लॉन्ग ये दोनों ही नाक की होती है। और कुछ अन्य आभूषण है, मैंने पूरे कंप्लीट ऐड किए हैं जितने भी आएंगे या फिर जितने भी आ सकते हैं। गोफ जो होता है ये पुरुषों का आभूषण होता है और गले में पहना जाता है। कठला जो होता है ये भी पुरुष पहनते हैं गले में। मुर्की, मुर्की एक कान में, आपने कभी देखा एक कान में बाली डाले हुए है या एक कान में कुछ डाले हुए, तो मुर्की बोलते हैं उसको, लड़के पहनते हैं इसको। जंजीरा ये भी कान का है।
तगड़ी ये स्त्री का होता है, तागड़ी जिसको बोलते हैं कमर के ऊपर बांधी जाती है, ये घाघरे के साथ अटैच करके उसके नाड़े के साथ बांधा जाता है और पल्लू स्त्री के ओढ़ने के पल्लू में सेट किया जाता है। तो ये सारे वो आभूषण हैं जो हमारी हरियाणा जीके में आते हैं और एक चैप्टर यहाँ से कवर है। इसके अलावा आपको हरियाणा की नदियों के जितने भी PYQ है या जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो एक वीडियो बनाने वाली हूँ। वो वीडियो आपको मिल जाएगा 11 बजे, तो वो जरूर करना। 100+ क्वेश्चन है और नदियों से सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल। एंड इफ यू वांट टू गेट मोर एंड मोर अपडेट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल through the link. I will drop down the link of the telegram channel in the description of this video so that you can easily get to update regarding the recruitment answer key result, everything you will get day by day and as per on time. So thank you so much. Thank you.